ऐसा है कि बारिश पिछले 4 दिनों से हो रही है और 50 mm से ऊपर ओवरऑल सारी बारिश हुई है। और जब ये बारिश होती है तो पानी का डिस्चार्ज हर जगह बढ़ जाता है। इस कारण संगम में अभी थोड़ा सा पानी डिस्चार्ज बढ़ गया है, बट हमारा ओवरऑल झेलम में अभी कम है। मुंशी बाग में अभी भी हम डेंजर लेवल से नीचे ही चल रहे हैं। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे कुछ डैमेज वगैरह हो रही है या हो, हमारा फील्ड स्टाफ ऑलरेडी ऑन द जॉब है, तो वो जो जो भी मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसी जैसी सिचुएशन बनती जा रही है हम उसको हैंडल करते जा रहे हैं। और उसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप लोग रेस्ट श्योर करिए। जैसे जैसे हमारा एक फेसबुक पे है, हमारा पेज है, ट्विटर हैंडल है हमारा, हम वहाँ वहाँ पे ऑलरेडी हम जो जो भी इंफॉर्मेशन होती जाएगी जैसे जैसे भी होगी हम बताते जा रहे हैं। और वेदर फोरकास्ट भी यही बता रहा है कि आगे ही अभी जब बारिश बंद हो जाएगी, मेरे ख्याल में दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद ये सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। कुछ जगह पे लेवल कम होने शुरू हो गए हैं, जैसे रामबियाना नाला है वाची में, वहाँ पे अभी कम हो गया है। विशु नाला में पानी पहले ऊपर था, वो अब नीचे रिसीड होना शुरू हो गया है। मेरे लगता है कि इसमें सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो लोगों को पैनिक होने की कोई नहीं, जरूरत कुछ नहीं। जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर सब मॉनिटर कर रही है, हमें देख रही है। दे आर ऑल्सो वॉचिंग अस, दे आर टेकिंग एवरीथिंग। जो मॉनिटरिंग चल रही है, तो इट विल बी, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पैनिक होने की जरूरत अभी नहीं। थैंक यू।